नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज तोमर आपके पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के टॉपिक वैद्य क्षेत्र तथा वैद्य क्षेत्र की तीव्रता पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम पहले वैद्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि वैद्य क्षेत्र है क्या और वैद्य क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे आवेश हैं, और दोस्तों इन्हीं आवेशों के बीच में एक बिंदु है। एक क्या है? एक बिंदु है, और उस बिंदु पर एक आवेश है। उस बिंदु पर क्या है? एक आवेश है, और वह आवेश क्या करता है? वह आवेश इस गोले के अंदर जितने भी आवेश हैं उन आवेशों को आकर्षण कर रहा है और प्रतिकर्षण कर रहा है, अर्थात उन्हें अपनी ओर खींच भी रहा है और अपने से दूर भी भेज रहा है। परंतु दोस्तों, इस गोले से बाहर जितने भी आवेश हैं उन आवेशों को यह आवेश ना ही आकर्षण कर पा रहा है और ना ही प्रतिकर्षण कर पा रहा है, अर्थात दोस्तों ना ही उन्हें अपनी ओर खींच पा रहा है और ना ही अपने से दूर भेज पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस आवेश की जो शक्ति है, जो पावर है, वह केवल इस गोले तक ही सीमित है। तो दोस्तों, जहां तक बिंदु आवेश अन्य किसी आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगा सके, वहां तक का क्षेत्र उस बिंदु का वैद्य क्षेत्र कहलाता है। उस बिंदु को क्या कहलाता है? वैद्य क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो गोला है ना, गोला, यह गोला इस बिंदु आवेश का वैद्य क्षेत्र है। इस बिंदु आवेश का क्या है? वैद्य क्षेत्र है। दोस्तों, इस गोले से बाहर यह किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगा पा रहा है, इसलिए वह क्षेत्र इसका वैद्य क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्य क्षेत्र है क्या और वैद्य क्षेत्र किसे कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं वैद्य क्षेत्र की परिभाषा पर, कि आप वैद्य क्षेत्र की परिभाषा किस तरीके से लिखोगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है वैद्य क्षेत्र की परिभाषा। दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है वैद्य क्षेत्र की परिभाषा, और उस पर हेडिंग में लिखना है आपको किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अन्य किसी आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाया जा सके, वह क्षेत्र उस बिंदु का वैद्य क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों, यहां से आप यह भी लिख सकते हैं कि वहां तक का क्षेत्र उस बिंदु का वैद्य क्षेत्र कहलाता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वैद्य क्षेत्र की परिभाषा सेम इसी प्रकार से लिखनी है। दोस्तों, मैंने ये परिभाषा सेम उसी तरीके से लिखी है जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल समझाया था, सेम उसी तरीके से मैंने लिखी है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्य क्षेत्र है क्या, वैद्य क्षेत्र किसे कहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है वैद्य क्षेत्र की तीव्रता पर, कि वैद्य क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और वैद्य क्षेत्र की तीव्रता है क्या। तो दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास यहां बहुत सारे आवेश हैं, और इन्हीं आवेशों के बीच में एक बिंदु है। एक क्या है? एक बिंदु है, और उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश है। एक क्या है? एक परीक्षण आवेश है। और दोस्तों, यह परीक्षण आवेश का वैद्य क्षेत्र है। क्या है यह परीक्षण आवेश का? वैद्य क्षेत्र है। अब दोस्तों, मैं इस वैद्य क्षेत्र के बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगाऊंगा, दोस्तों जितना वैद्युत बल लगाऊंगा उतनी ही उस बिंदु की वैद्य क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। इसी को हम वैद्य क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब दोस्तों, बात यह आती है कि आप वैद्य क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है वैद्य क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है वैद्य क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, और उस हेडिंग में आपको लिखना है वैद्य क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर जितना बल लगाया जाता है उतनी ही उस बिंदु आवेश की तीव्रता बढ़ती है, उसी को वैद्य क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्य क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित किया जाता है।
और दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वह होता है E बराबर F अपॉन क्यू। क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्यू। तो दोस्तों आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से इसी प्रकार से लिखनी है। अब दोस्तों बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक तथा विमा पर कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक तथा विमा कैसे निकालोगे। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है मात्रक तथा विमा। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल लिया मात्रक तथा विमा। तो दोस्तों किसी भी सिद्धांत की मात्रक तथा विमा ज्ञात करने के लिए आपको पहले उस सिद्धांत के सूत्र का पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उस सिद्धांत के सूत्र का पता नहीं होगा आप उस सिद्धांत के मात्रक तथा विमा नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों हमें विमा ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F अपॉन क्यू। क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्यू, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दोस्तों E को हम क्या कहते हैं? E को कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों हम F को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम F को बल कहते हैं। F को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अपॉन दोस्तों Q को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम Q को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो हम लिखेंगे आवेश। तो दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। तो न्यूटन लिखेंगे। दोस्तों आवेश का मात्रक क्या होता है? दोस्तों आवेश का मात्रक होता कूलाम। क्या होता है दोस्तों? कूलाम। कूलाम लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए न्यूटन का कोई मात्रक होता नहीं होता, कूलाम का कोई मात्रक होता नहीं होता। तो दोस्तों हमारा बन जाएगा ये न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात कर लिया है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या ज्ञात कर लिया दोस्तों? न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक से इसी प्रकार से ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब बात आती है विमा पर कि आप विमा कैसे निकालोगे। तो दोस्तों यदि आपको मात्रक निकालना आता है तो आप विमा भी निकालोगे, क्योंकि जब तक मात्रक नहीं निकालोगे तब तक आप विमा भी नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों यहां तक का मैंने ये सॉल्व कर दिया है प्रश्न। अब यहां से आगे क्या करना है आपको? आपको पहले न्यूटन की विमा लिखनी है। न्यूटन की क्या लिखनी है? विमा लिखनी है। तो न्यूटन की विमा होती है एम एन टी माइनस टू अपॉन। अब अपॉन में दोस्तों आपको किसकी विमा लिखनी है? कूलाम की विमा लिखनी है। तो कूलाम की विमा होती है दोस्तों ए टी। क्या होती है? ए टी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है? अब आपको ए टी को हर से अंश में लेके जाना है। हर से कहां लेके जाना? अंश में लेके जाना है। तो दोस्तों जब भी हम किसी राशि को हर से अंश में लेके जाते हैं या अंश से हर में लेके जाते हैं तो दोस्तों उस राशि की जो घातें होती हैं वो बदल जाती हैं। जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। तो दोस्तों ये कोई घात है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस पर एक घात मान लेंगे, वो प्लस की। टी पे कोई घात है दोस्तों? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? टी पे एक घात मान लेंगे, वो प्लस की। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? ए टी को हर से अंश में लेके जाएंगे। तो हम लिख लेंगे एम एल टी माइनस टू। तो दोस्तों जब मैं ए को हर से अंश में लेके जाऊंगा तो ए की घात यहाँ प्लस में है, अंश में जाते किस में हो जाएगी दोस्तों? माइनस में। तो ये हो जाएगी हमारी ए माइनस वन। क्या हो जाएगी दोस्तों? ए माइनस वन। तो दोस्तों देखिए यहाँ टी की घात प्लस में है, अंश में लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी? माइनस में। तो ये हो जाएगी हमारा टी माइनस वन। क्या हो जाएगा? टी माइनस वन। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? हम एम एल टी माइनस टू और ए की घात माइनस वन और टी की घात माइनस वन की गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो दोस्तों जब भी हम किसी राशि की गुणा दूसरे राशि से करते हैं
तो उस राशि की जो घाते होती है वह जुड़ जाती है। तो दोस्तों देखिए m इस वाली विमा में है नहीं है तो आप लिख लेंगे m, l इस वाली विमा में है नहीं है तो आप l लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ t है तो t क्या इस विमा में है? हाँ दोस्तों t इस विमा में है, तो हम क्या करेंगे t माइनस के टू और t माइनस के वन को जोड़ देंगे। तो दोस्तों जब हम t माइनस के टू और t माइनस के वन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा t माइनस के थ्री, क्या हो जाएगा t माइनस के थ्री। और दोस्तों हमारे पास क्या बचा? अब बचा हमारे पास a माइनस के वन। तो दोस्तों देखिए इस वाली विमा में a माइनस वन है नहीं है तो आप लिख लेंगे a माइनस वन। तो दोस्तों हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकल गई है। तो दोस्तों हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ज्ञात करनी है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा सेम इसी प्रकार से निकालनी है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक तथा विमा निकालनी आ जाए। तो दोस्तों आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।